बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टंग टिकलर्स। आज हम बनाएंगे पिंग व्हील सैंडविच रोल। बहुत ही आसान तरीके से और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए स्लाइस 3 पीस, आटे का घोल, सॉस, टमाटो सॉस, हरी चटनी और फ्लेवर सॉस और मेयोनीज। तो चलिए देखते हैं। पहले सारे ब्रेड के कॉर्नर को हम कट करेंगे। मैंने सीजर से किया है ताकि टूटे नहीं। इसे हमने कट कर लिया है, हमने ब्रेड को कट कर लिया है। इस कॉर्नर को वेस्ट नहीं करेंगे, इसे ब्रेड क्रम्स भी बनाएंगे और ब्रेड का हलवा भी बनता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसे। अब इस ब्रेड को हम स्ट्रेच करेंगे, बहुत ही स्लोली। इसी तरह सेकेंड वाले को भी करेंगे, इतना पुश करें कि दब जाए ताकि रोल बनाने में आसानी से बन सके और अच्छा कटे। देखिए अच्छी तरीके से ये पुश हो गया है। मैंने ब्रेड को स्ट्रेच कर लिया है, फाइल पेपर में इसको रखेंगे। अब इसको आटे के घोल से फिक्स करेंगे, ये चिपकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ऐसे चिपक जाए। फिर दूसरे वाले में भी ऐसे ही करेंगे, बहुत ही हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ऐसे चिपका लेंगे। अब इसकी फिलिंग करेंगे हम। ये मैंने लिया है केचप, पहले लगाएंगे। ग्रीन सॉस, चटनी सेकंड स्लाइस में, बहुत ही यम्मी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, आप भी अपने घरों में बनाएं। फ्लेवर सॉस बहुत टेस्टी है, ये हमने बनाया है। अब इसे हम रोल बनाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से ताकि ये टूटे ना, स्लोली स्लोली, ताकि कटिंग करने में बहुत ही अच्छी कटिंग हो। फॉइल पेपर में हम इसे रैप कर लेंगे थोड़ा सा पुश कर करके, इसे पुश करने के बाद ऐसे दबा के इधर ऐसे 20 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रखते हैं। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमें इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे, अपने हिसाब से करें स्लोली स्लोली ताकि इसका शेप बिगड़े नहीं, बहुत ही आराम के साथ। देखिए इसे हमने काट लिया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसे हल्के हाथों से फाइल पेपर को निकालेंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। इसी तरह सारा निकाल लेंगे। आप अपने घरों में ज़रूर बनाएं एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कैसा बना है। अब इसे डेकोरेट करेंगे अपने हिसाब से। इसके ऊपर हमने टूथपिक लगा दिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे, टमाटर के फ्लावर बनाएंगे। देखिए मैंने इसको पील कर रही हूँ, ऐसे बहुत ही बारीक छिलका इसका उतारना है। देखिए मैंने छिलके को ऐसे बारीक बारीक उतार लिया है, ये कटना नहीं चाहिए बीच में, नहीं तो फ्लावर नहीं बनेगा। इसको पूरा हमने कट कर लिया है।
देखिए हमने पूरे छिलके को निकाल लिया है। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे स्लोली स्लोली ताकि ये टूटे नहीं। ये पूरा ऐसे ही राउंड लगाएंगे, इसमें ज्वाइंट कर देंगे। अगर टूट भी गया तो कोई बात नहीं है, ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए बन रहा है फ्लावर। देखिए हमने फ्लावर बना दिया, रोज़ फ्लावर। इसमें कोरिएंडर लीव लगा देंगे। वाओ नाइस। मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।